हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र दाड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ है, जब भी आप जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो उससे लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो सबसे पहली होगी बीमा किस्त, क्योंकि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो बीमा किस्त बनती है उसकी। तो बीमा किस्त आप अपनी ऐसी करवाएं जिससे आपकी 15 से, जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो आप 15 से 20 साल मतलब भविष्य को लेके पॉलिसी लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो 15 से 20 साल की प्लानिंग है ना, उसको 50 या 60% में हेल्प कर रही हो, और 8% टाइम आपको एक अच्छा खासा बीमा भी मिल रहा हो। इस बात को आपको ध्यान में रख कर किस्त है वो बनवानी चाहिए। इसके साथ दूसरी बात दो है, सरेंडर की बात हो गई। कई बार क्या होता है, हमने एक किस्त पे कर दी, उसके बाद बोलते हैं कि मैं आगे पॉलिसी नहीं चलाएंगे, हमें तुम्हारे पैसे वो दिलवा दो। तो ऐसा नहीं होता, आपको सरेंडर कराने के लिए या पेमेंट वापस करवाने के लिए पॉलिसी है वो 2 साल तक कंटिन्यू चलनी जरूरी होती है। अब उसमें भी आपको 100% पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जो पैसे मिलेंगे वो 20 से 30%, 40% कट के ही मिलेंगे, यानी पूरा आपको प्रीमियम वो नहीं मिलेगा। इसके साथ एक बेनिफिट और होता है पॉलिसी पे, लोन का बेनिफिट हो गया। यानी आप पॉलिसी चला ली, चल रही, आपको अर्जेंट में आपको लोन की जरूरत हो गई, तो आपको क्या है, स्पेशल किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना नहीं रहेगा, आप अपनी पॉलिसी पे लोन है वो ले सकते हैं। लोन लेने के लिए वही हो गया, पॉलिसी आपकी 2 साल चलनी जरूरी है। लोन जो मिलेगा आपको, जितने आपने किस्त के रूप में प्रीमियम पे किया है, तो उसका लगभग 60 से 70% तक आपको लोन मिलेगा। एक हो गई नॉमिनी बनाने की, नॉमिनी आप अपनी पॉलिसी में कितने भी बना सकते हो, 2, 4, 5 है वो आपके ऊपर, आप है कितने भी बना सकते हो। एक हो गया आत्महत्या का क्लेम, अगर मान लो आपने पॉलिसी ले ली है, तो किसी भी बंदे ने पॉलिसी लेने के बाद में अगर वो 1 साल के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसका क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वही 1 साल बाद में अगर आत्महत्या कर लेता है और इन्वेस्टिगेट में पता चल जाता है इसने आत्महत्या की है, तो 1 साल बाद में अगर किया तो उसका क्लेम रिजेक्ट है वो नहीं होगा, कंपनी उसके क्लेम को देगी। एक हो गया इसके साथ 3 साल तक पॉलिसी चलना जरूरी है। अब कई बार हम पॉलिसी तो करवा लेते हैं, कई बार कई लोग झूठ बोल के भी पॉलिसी करवा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास राइट रहा है 3 साल से पहले वो आपको किसी भी प्रकार की वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो उसमें आपको पॉलिसी को कैंसिल है वो कर सकती है। अगर आप पॉलिसी 3 साल चल गई तो कंपनी उस पॉलिसी को कैंसिल है वो नहीं कर सकती और क्लेम देने के लिए भी बाध्य होगी। एक हो गया राइडर, जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो उसमें राइडर जरूर लें। राइडर का प्रीमियम बहुत ही कम होता है बीमे के समय, बीमा किस्त के साथ, तो उससे जाकर आपको अलग से फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी डिसेबिलिटी की मिल गई, क्रिटिकल इलनेस की मिल गई, या वेवर ऑफ प्रीमियम की मिल गई, इसकी फैसिलिटी हो गई। एक इसके साथ बहुत महत्व, जब भी हम पॉलिसी करवा लेते हैं, बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर के हम अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं, हमें पॉलिसी अच्छी नहीं लगी हो, प्रीमियम हमें कम ज़्यादा करना, उसके हिसाब से जिस दिन आपको बॉन्ड मिले उस बॉन्ड के 15 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं और आपको आपकी जो पैसे हैं वो वापस मिल जाएंगे। हाँ, उस जो पैसे आपकी किस्त जो आपने पे की उसमें आपको प्रीमियम कुछ GST वगैरह हो गया, या कंपनी ने आपका जो मेडिकल कराया है उसके पैसे कुछ कितने कटकटा गए आपको वापस मिलेंगे। और लास्ट में एक बात मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी बीमा पॉलिसी लेते हो तो मेरा आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप झूठ बोल के पॉलिसी है वो न लें। जो भी बात हो अपने कस्टमर को, वो सॉरी एजेंट को या बीमा कंपनी को, सच बात बोल के पॉलिसी ले, ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की है वो परेशानी न हो और अच्छा खासा एक आपको बेनिफिट है वो पॉलिसी का मिले। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही बढ़िया वीडियो और इंश्योरेंस से रिलेटेड जानने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।